नमस्कार बच्चों, और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सभी अपने अपने घरों में अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। यस, चलिए तो इसके पहले हम लोग पाठ नौ चांद का कुर्ता तक का पेज नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब आज हम लोग पाठ 10 से शुरुआत करेंगे। तो पाठ 10 का पहला पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 से शुरुआत करेंगे। तो आप लोग अपनी अपनी रिवीजन शीट का पेज नंबर 18 निकाल लीजिए। चलिए, उम्मीद है आप लोग अपनी अपनी रिवीजन शीट निकाल लिए होंगे। अब यहाँ देखिए, पाठ 10 में प्रश्न 1, चित्र में रंग भरकर उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। ये जो दिया गया चित्र है, इसमें रंग भरना है और इस चित्र को देखकर आपको यहाँ कुछ वाक्य लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है आज का। उसके बाद उसके नीचे आइए, प्रश्न 2, प्रश्न 2 में पहेली दिया हुआ है। इस पहेली को आपको समझना है कि क्या है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या है पहेली में। काली तो है पर काग नहीं, लंबी तो है पर नाग नहीं, बल तो खाती पर डोर नहीं, बांध लेती है पर ढोर नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। चलिए फिर से पढ़ती हूँ। काली तो है पर काग नहीं, लंबी तो है पर नाग नहीं, बल तो खाती पर डोर नहीं, बांधते तो हैं पर डोर नहीं। इसका उत्तर होगा चोटी। चोटी, ठीक है, ये जो हम अपने बालों को चोटी, बालों का चोटी बनाते हैं, सभी लेडीज सभी औरतें बनाती है, तो उसे कहा गया काली तो है पर काग नहीं। काग का अर्थ कौवा। लंबी तो है पर नाग नहीं, नाग का अर्थ है सांप। बल तो खाती पर डोर नहीं, डोर का अर्थ हुआ रस्सी। बांधते तो हैं पर ढोर नहीं, हम इसे बांध तो लेते हैं तो चोटी बना लेते हैं। बांधना मतलब चोटी बनाना, तो इसका सही अर्थ होगा चोटी। और उसके नीचे फिर वही रिपीट हो गया है। ठीक है, तो आप ये आंसर यहाँ लिख कर छोड़ दें। फिर नेक्स्ट पेज है,
विशेषण, चित्र के लिए सही विशेषण शब्द चुने। चित्र के लिए सही विशेषण शब्द चुने, ये पेज नंबर 1919 में निकालिए। इसमें है चित्र के लिए सही विशेषण शब्द चुने। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, बूढ़ी, मोटा, गरम, लंबा, खुश, मीठा। तो बताइए अभी ये जो यहाँ चित्र दिया हुआ है, ये किस चीज़ का चित्र है? लंबा, ठीक है। तो ये पेड़ का चित्र है, पेड़ क्या है? लंबा। तो आप यहाँ से देखकर यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लंबा, ठीक है। अब देखिए ये औरत जो डंडे के सहारे से चल रही है, इसके नीचे कौन सा विशेषण शब्द सही रहेगा? आप ऑप्शन में से देखकर बोलिए क्या होगा। बूढ़ी, फिर ये क्या है? केक। तो केक में सही विशेषण शब्द इसमें से ढूंढ कर बताइए क्या होगा। मीठा, यस, वेरी गुड। ये कैसा व्यक्ति दिख रहा है आपको? ये व्यक्ति कैसा दिख रहा है आपको? क्या होगा इसके लिए सही विशेषण शब्द? मोटा। फिर ये जो बच्चे दोनों दिख रहे हैं, ये कैसे बच्चे दिख रहे हैं? कौन सा विशेषण शब्द इसमें से आएगा बताइए। बूढ़ी, मोटा, गरम, मीठा, खुश, लंबा। कौन से बच्चे हैं ये? खुश बच्चे, खुश दिखाई दे रहे हैं, हैप्पी। ये चाय, चाय क्या है? गरम। देखिए इसमें से गरम गरम भाप निकल रहा है, नीचे आग जल रही है, तो क्या हो जाएगा इसका विशेषण? गरम, ठीक है। चलिए अब इसके नीचे आते हैं प्रश्न 3 में। प्रश्न 3 में तो दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो प्रश्न यहाँ पर आपको दिए गए हैं उसके उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? गुनगुन को क्या करना अच्छा लगता है? गुनगुन को क्या करना अच्छा लगता है बताइए। अगर आप में से किसी को याद है तो खुद से लिख सकते हैं, अदरवाइज आप बुक से भी देखकर लिख सकते हैं। ये आज का आपका होमवर्क है, ओके। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि गुनगुन को क्या करना अच्छा लगता है, ताकि आपको थोड़ा याद आ जाए, लर्न हो जाए। तो गुनगुन कौन थी? गुनगुन एक लड़की थी जिसे गुड़िया घर और गुड़ियों से खेलना ये सब ज़्यादा पसंद था। वो एक दिन गुड़िया घर देखने गई थी अपने मम्मी पापा के साथ, तो उसके बारे में सब कुछ दिया हुआ है। तो अब बताना है गुनगुन को क्या करना अच्छा लगता है। इसका उत्तर होगा गुनगुन को गुड़िया के साथ बातें करना, खेलना
और गुड़िया की शादी का खेल उसे अच्छा लगता है। तो इस तरह आपको उत्तर लिखने हैं। ख में है, क्या देखकर गुनगुन खुशी के मारे झूम उठती है, बताइए। आप लोग बताइए इसका क्या उत्तर होगा सही। इसका सही उत्तर होगा, गुड़िया को देखकर गुनगुन खुशी के मारे झूम उठती है। किसे देखकर? गुड़िया को देखकर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आपको प्रश्न उत्तर लिखने हैं। अब अगला प्रश्न है, बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, उम्मीद है आप सबको पता होगा कि बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है। बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये होमवर्क आपको करने हैं, पेज नंबर 19 में क्वेश्चन आंसर। अब आगे हम लोग पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 में देखेंगे। तो पेज नंबर 20 निकालिए आप लोग। इसमें प्रश्न है, विशेषण शब्द को टिक करो, सही का निशान लगाओ। तो आपको इसमें से देखना है कि विशेषण वाले शब्द क्या है। तो सबसे पहले इसके लिए आप बताइए, विशेषण किसे कहते हैं, तभी आप सही उत्तर का पता लगा पाइएगा। बताइए विशेषण किसे कहते हैं, बताइए। यस, किसी भी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। किसी भी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण का अर्थ हो गया जो किसी की विशेषता बता रहा हो। तो विशेषता वाले शब्द, चलिए अब आइए आगे देखते हैं क्या क्या लिखा है। पहला है, खट्टा, मिठाई, इमली, नमक। अब इन चारों शब्दों में सही विशेषण वाले शब्द कौन से होगा? खट्टा, मिठाई, इमली, नमक। तो बताइए इसमें खट्टा क्या है, विशेषण हो सकता है? यस, खट्टा क्या है? किसी भी चीज की विशेषता बताता है कि वो कैसा है, खट्टा है। विशेषण का अर्थ है कोई भी चीज कैसा है और कितना है। अब देखिए, मिठाई क्या है? संज्ञा हो जाएगा, इमली संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि ये सब नेमिंग वर्ड है। नमक संज्ञा हो जाएगा। और खट्टा क्या है? विशेषण। दूसरी पंक्ति में देखिए, शिक्षक,
राधा, होशियार, पेन। बताइए इन पंक्ति में विशेषण वाला शब्द कौन सा होगा? पेन हो सकता है क्या? राधा, शिक्षक, होशियार क्या होगा? बताइए, होशियार, क्योंकि ये किसी की विशेषता बताता है, वह लड़का होशियार है। तो किसकी विशेषता बता रहा है? लड़का। राधा होशियार लड़की है। राधा कैसी लड़की है? होशियार लड़की है। तो राधा क्या हो गया? संज्ञा, क्योंकि ये तो किसी का नाम है, नेमिंग वर्ड है। अगला है आदमी, लंबा, लोग, गप्पे। अब इसमें से कौन सा होगा विशेषण वाला शब्द? लंबा। वेरी गुड, लंबा। पेड़ कैसा है? लंबा है। नीचे है स्वादिष्ट, रसोई, खाना, पकोड़ा। इसमें से क्या होगा बताइए? स्वादिष्ट। लड़की, बाल, गोरा, चाबी। इसमें से क्या होगा? लड़की, बाल और चाबी क्या है? नेमिंग वर्ड है, संज्ञा है। तो गोरा, गोरा क्या हो गया? विशेषण। पतला, ऊंचाई, बोतल, डब्बा। इसमें विशेषण वाले शब्द कौन सा होगा? बताइए, पतला क्या होगा? पतला, ठीक है। नेक्स्ट है गिलास, ठंडा, फल, पेपर। इसमें से क्या होगा? ठंडा। ओके, तो ये है विशेषण वाले शब्द, और आपको याद रखने हैं जो शब्द किसी की विशेषता बताए उसे विशेषण वाले शब्द कहते हैं। ओके, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट पेज से शुरुआत करेंगे। पेज नंबर 20 का ही आधा हम लोगों ने कर लिया, अभी आधा हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चों? नमस्कार, धन्यवाद।